जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। बेसिकली दो तीन अपडेट निकलकर सामने आ रहे थे स्टॉक के प्रति, तो इस अपडेट को इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे क्या अपडेट है, अपडेट का मतलब कंपनी के शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ने वाला है। कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर भी अब आपको आते हुए दिखने वाले हैं बहुत जल्द, तो इस क्वार्टर फोर के नंबर के बारे में चर्चा होगी, कब तक आएंगे, कैसे आएंगे और इसका क्या असर पड़ेगा शेयर प्राइस पे। शेयर प्राइस में देखेंगे तो यहाँ पर अपर सर्किट भी लगते हुए दिखा है, तो इस अपर सर्किट की भी चर्चा होगी। अपर सर्किट के बारे में बताऊंगा कि ये अपर सर्किट जो लग रहा है इसमें ये टिकाऊ है कि नहीं, क्योंकि यदि अपर सर्किट सिर्फ एक आध दिन के लिए लगता है तो कुछ खास मायने नहीं रखता है। इसमें हमें चाहिए कि अपर सर्किट कुछ समय तक लगे ताकि जो शेयर प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है वो जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर सके। तो चलिए इन सब मुद्दों को आसान भाषा में समझते हैं। बीएससी की वेबसाइट पर जो आप देखेंगे सेल रिसर्च को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ये स्टॉक अभी एएसएम की कैटेगरी में चल रहा है। एएसएम की कैटेगरी उतनी खतरनाक कैटेगरी नहीं होती जितनी कि ईएसएम या जीएसएम की कैटेगरी को माना जाता है। ईएसएम और जीएसएम जो कुछ जो भी स्टॉक होता है उसमें ज़्यादा लफड़ा होता है, हालांकि एएसएम बहुत ही नॉर्मल कैटेगरी है, ये कुछ खास मायने नहीं रखता। यहाँ पर जब आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा है आज के दिन, यानी कि अब इसमें तेजी की शुरुआत आ गई। और तेजी की शुरुआत इसलिए भी आ रही है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, इसका जो ट्रेडिंग विंडो है जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कह सकते हैं होता है वो बंद कर दिया गया है। जो कंपनी के अंदर के लोग हैं वो इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे और यह सामान्यतः तभी होता है जब इसके क्वार्टर्स के नंबर आने वाले हैं। तो अभी आपको पता है मार्च क्वार्टर के यानी कि कंपनी के क्वार्टर्स फोर के नंबर आएंगे, 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका लास्ट क्वार्टर का नंबर कंपनी के आने वाला है। अब जब ये क्लोजर विंडो ट्रेड होता है उस दिन से तकरीबन 2 से 3 सप्ताह का समय लग जाता है कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर आने में, तो 28 मार्च को क्लोज हुआ है तो आप मान सकते हैं कि ये अप्रैल में आपको 15 अप्रैल तक या 20 अप्रैल के पहले तक आते हुए दिखेगा। अब नंबर्स कैसे आएंगे इसके लिए हम लोग जो कंपनी के प्रीवियस क्वार्टर्स के नंबर को डिस्कस करेंगे मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा नंबर्स कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कंपनी के चार्ट को समझते हैं कि चार्ट क्या बोलता है, उसके बाद बाकी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर एक साल के चार्ट पर आप स्पष्ट देखेंगे प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये जो अपर सर्किट लगा है उसका कमाल कि ये जो प्राइस लगातार नीचे आ रहा था वो अब आपको यहाँ से घूमते हुए दिखा है। अब आपको ध्यान देना है कि अभी भी ये स्टॉक देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जो है इस स्टॉक के लिए यही 70 पैसा के लेवल है, इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस है। इस 70 पैसा के लेवल को ब्रेक करना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा जब तक कि जो अपर सर्किट लगा है वो कंटिन्यू 2-4 दिन तक लगातार नहीं बना रहता है। यदि अपर सर्किट हटता तो इसमें इतने पावर नहीं है कि इस रेजिस्टेंस को इजिली ब्रेक कर दे, और इसको ब्रेक करने के बाद 80 पैसा के लेवल को भी इसको ब्रेक करना हो तो इसके लिए जरूरी है कि यदि इस स्टॉक में तकरीबन 5-5% का अपर सर्किट भी कंटिन्यू 5 दिन तक लगा रह जाता है, 5 दिन तक छोड़िए कंटिन्यू 2 से 3 दिन भी लगा रह जाता है, तो इजीली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। और 80 पैसा के लेवल को जहाँ निकाला तो इसके इसके बाद कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं, सीधे इसका प्राइस आ जाएगा 1 रुपये, 1 रुपये तक प्राइस पाने दिए। और फिर जैसा मैंने बताया कि कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर की अनाउंसमेंट हो गई है, क्वार्टर फोर के नंबर भी आने वाले हैं और नंबर अच्छे ही आएंगे इस बार, तो इसके बाद ये स्टॉक नहीं रुकेगा और इजली एक नया आपको यहाँ पे फिर हाई बनते हुए दिखेगा इस स्टॉक में, क्योंकि एक हाई ये हो गया, दूसरा हाई ये हो गया और तीसरा हाई क्वार्टर फोर के नंबर के बाद लगने जा रहा है और ये एक नया हाई बनेगा आपको बहुत जल्द इस स्टॉक में। इसलिए आपका यदि इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आपको इसमें बने रहने की ही सलाह दी जाएगी। अब बहुत से लोग क्या होता है कि प्राइस जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कई दिनों से एक ही रेंज में आपको स्टॉक का प्राइस घूमते हुए दिखेगा, तो ये लोग उब जाते हैं, ऐसे लोग मानते हैं कि प्राइस कहीं नहीं जाएगा, जबकि प्राइस देखिए तो कुछ ज़्यादा मोमेंटम है, 60 पैसे से लेकर 80 पैसा इसी के बीच में प्राइस कुछ दिनों से घूम रहा है। तो आपको बस वेट करना है, इस कंसोलिडेशन से जैसे बाहर निकलेगा प्राइस ऊपर जाएगा, लॉस में तो लॉस तो रिकवर हो ही जाएगा, साथ में प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। आप चाहें तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं, 80 पैसा के लेवल को जब ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो आप यहाँ पर एवरेजिंग भी कर सकते हैं, बस आप इसमें अभी समय दीजिए, नया बाय अभी मत कीजिएगा जब तक कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस 80 पैसा के लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक इसमें नया बाय करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए बाकी चीज़ों को इस स्टॉक में समझते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इस कंपनी में कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट की। देखिए सबसे पहले सेल्स की बात करें तो जो पिछले क्वार्टर में आएंगे दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट आए थे वो उसके पहले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा आए हैं, हालांकि उसके पहले से भी और लगातार कई क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो पिछले कुछ समय से अच्छा खासा और पिछले क्वार्टर मुकाबले बेहतर आते हुए दिख रहा है। तो इस बार भी इस उम्मीद से कह सकते हैं कि जो क्वार्टर फोर का नंबर आने वाले हैं उसमें भी कंपनी के जो सेल्स होगा अपने पिछले क्वार्टर के मुकाबले यानी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के मुकाबले अच्छा आएगा। और सिर्फ रिजल्ट ही अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ सेल्स ही अच्छे रिजल्ट अच्छा आ ही रहा है, सिर्फ सेल्स ही नहीं और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यह भी आपको ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि कंपनी इस बार खर्चे थोड़े कम करते हुए दिखी है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का खर्चा काफ़ी बढ़ गया था। प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट यानी कि जो टैक्स देने के बाद बचता है, यह पहले कंपनी देखिए पिछले क्वार्टर में लॉस में थी, इस बार
प्रॉफिट में आ गई है। करोड़ 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और इस बार सीधे ये 1.5 से 2 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट होने का अनुमान है। और ये प्रॉफिट का पैसा कहाँ जाएगा, कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ में जाएगा, क्योंकि जब आप बैलेंस इसका प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, सॉरी बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो जब बैलेंस शीट में आप देखिएगा तो आप पाएंगे कि इस कंपनी के पास कोई डेब्ट नहीं है, यानी कि कोई भी कर्जा नहीं है, एकदम डेब्ट फ्री कंपनी है। तो जब कंपनी के पास कर्जा नहीं है प्लस कंपनी के पास रिजर्व ऑलरेडी पड़ा हुआ है 5 करोड़ के आसपास, तो कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट का पैसा आएगा उस प्रॉफिट का पैसा कंपनी यूज करेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने में, बिजनेस के एक्सपेंडेशन में लगाएगी। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर प्राइस पर पड़ते हुए दिखेगा और कंपनी का शेयर प्राइस जो है यहाँ से आपको और ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। तो ये जो अपर स्टेट लग रहा है ये हवाबाजी नहीं है, ये मतलब ऑथेंटिक है। और इसमें जो इंसाइडर्स होते हैं, जो पहले जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इसकी भनक पहले से भी लग जाती है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो बने रहिए, इस कंपनी के अच्छे दिन आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी इनसे के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।